बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एप्पल जैम बना रही हूँ और इसके लिए मैंने ये हाफ के जी सेब लिए और इन्हें हम पहले छील लेते हैं। इन्हें छील लिया है, अब इन्हें हम पानी में डालते जाएंगे क्योंकि सेब फौरन काले पड़ जाते हैं। हमने तमाम सेबों को छील लिया है, अब इन्हें हम ग्रेट कर लेते हैं। इस तरह से आप कोई भी ग्रेटर ले लें और इनको इस तरह से ग्रेट कर लें। तमाम एप्पल को हमने ग्रेट कर लिया है और ये जो पार्ट है इसमें बीज होते हैं इसे हम हटा देंगे। तमाम सेबों को हमने ग्रेट कर लिया है। एप्पल का जूस है साथ में निकला है, ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये भी हम साथ में ही डालेंगे पकने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तमाम हम डाल देंगे। मीडियम गैस पे हमें है, मीडियम गैस पे इसे हम 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छे से हमारे गल जाएं सेब। सेबों को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। इसमें हमने कोई पानी नहीं डाला था, ये सेबों का अपना ही पानी है और ये अच्छे से गल चुके हैं। अब इस वक्त हम इसमें डालेंगे, अब इसमें हम 300 ग्राम चीनी ऐड कर देते हैं और इसे हमें इतना पकाना है कि इसका चाशनी अच्छे से पक जाए और इसका पानी ख़त्म हो जाए और चाशनी हमारी अच्छे से तार वाली बन जाए। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये जैम हमारा पकने के नज़दीक है। अगर आप चाहें तो इसे इस ओरिजिनल कलर के अंदर भी रख सकते हैं, वरना जो आप बाज़ार से जैम ख़रीदते हैं तो वो रेड कलर में होता है। मैं रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ, जितनी ज़रूरत होगी उतना हमें डालना होगा क्योंकि जो बाज़ार से हम एप्पल जैम लेते हैं तो वो रेड कलर के अंदर ही होता है। हमें जितना ज़रूरत होगी उतना ही हम रेड फूड कलर डालेंगे इसके अंदर। थोड़ा मुझे कम लगा है, मैं और थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि बाज़ार से जब हम ख़रीदते हैं तो एप्पल जैम का कलर रेड कलर होता है। ये इतना कलर काफ़ी है और इसे अभी थोड़ा दो थोड़ा और पकना है क्योंकि अभी इसमें थोड़ा पानी है। देखें अभी इसमें पानी है, अभी इसमें थोड़ा पानी इसका और खुशक हो जाए, हमारा जैम तैयार हो जाएगा। हमें इस जैम को इतना पकाना होता है कि इसमें एक बड़ा सा तार बनने लगे चाशनी का। अभी इसको हम चेक करते हैं कि आया हमारी आया पका है कि नहीं। देखें बड़ा सा तार बन रहा है ना, ये हमारी तैयार हो चुकी है, हमारा एप्पल जैम तैयार हो चुका है। अब इसे थोड़ा ठंडा करेंगे, पहले हम गैस को बंद कर देते हैं। जैम हमारा ठंडा हो गया है, अब इसमें मैं 1 लीमू का रस भर कर डाल रही हूँ। ये 1 लीमू का रस है, बड़ा लीमू लिया था मैंने। लीमू डालने से चीनी जमती नहीं है और जैम हमारा जो है ख़राब नहीं होगा और ये तकरीबन आप 6 महीने 1 साल रखकर खा सकते हैं क्योंकि इसमें शुरू से आखिर तक कहीं पानी नहीं डाला है। सेबों को भी हमने उसी के पानी में गलाया है, हमने पानी नहीं डाला है, तो ये हमारा जैम ख़राब नहीं होगा। एप्पल जैम तैयार हो चुका है। इस तरह का कोई भी बोतल हो आपके पास, जैम की बोतल होती है घर में, आप इसके अंदर इसे रख सकती हैं डालकर।